डीमन स्लेयर के सीजन 3 के थर्ड एपिसोड में दो अपर डीमंस की एंट्री हो चुकी है, अपर डीमन 4 हानदेंगू और अपर डीमन 5 ग्योको। इस वीडियो में हम बात करेंगे हानदेंगू के सारे 6 फॉर्म्स के बारे में, जिनमें से कि 4 फॉर्म्स जो है वो ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं सीजन 3 के एपिसोड में, बाकी के जो 2 फॉर्म बचे हुए हैं वो आगे आने वाले एपिसोड में भी रिवील हो जाएंगे। एपिसोड 3 में हमने देखा कि जब हानदेंगू का सर धड़ से अलग हुआ तो उसके सर से एक नया क्लोन पैदा हुआ और उसके धड़ से एक नया क्लोन पैदा हुआ, और इन सारे क्लोन की एबिलिटीज़ और जो उनकी पावर्स थी सारी अलग अलग थी। अगर हम बात करें एबिलिटीज़ की तो इन सारे क्लोन्स की एबिलिटी उनके टंग पे छपी हुई थी इन द कांजी फॉर्म। तो आइए शुरू करते हैं हानदेंगू के पहले फॉर्म से, जिसका नाम है सेकिडो। सेकिडो की जो पर्सनैलिटी है वो गुस्से वाली है, दैट मीन्स ओवरऑल अब ड्यूरिंग इट्स फाइट वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। और अगर हम बात करें इसके पावर की तो इसके पास एक छड़ी है जिससे कि वो लाइटनिंग और थंडर अटैक्स कर सकता है, और रियली में इसके अटैक्स इतने पावरफुल है कि उसका एक अटैक तांजिरो को मारने के लिए काफ़ी था। हानदेंगू का सेकेंड फॉर्म है कराकू, और कराकू की पर्सनैलिटी है प्लेजर, मतलब कि हमेशा खुश रहना। अगर उसका सर धड़ से अलग हो जाए तब भी उसको उस फाइट के दौरान उसको वो एक्साइट करता है। कराकू के पास एक टेंगू फैन है जिससे कि स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड प्रोड्यूस होता है, और उस पंखे का एक हवा का झोंका किसी भी हाशिरा को दूर फेंकने के लिए काफ़ी है। हानदेंगू के सेकेंड फॉर्म का नाम है आइजेत्सू। आइजेत्सू की पर्सनैलिटी है सोरो, दैट मीन्स पूरे फाइट के दौरान वो हमेशा निराश रहता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी काम और कंपोज रहता है अपनी फाइट के समय। आइजेत्सू के पास एक ऐसा हथियार है जो वो अपने हिसाब से लंबा या छोटा कर सकता है। जैसा आप सोच रहे हो वो हथियार नहीं है, ये कोई हेंटाई एनिमे नहीं है। तो मैं उस हथियार का नाम बता दूं तो उसके पास एक ऐसा भाला है जिसकी लंबाई लंबी या छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक पावरफुल थ्रस्ट मार सकता है किसी भी टारगेट के सीने में या किसी के भी ऊपर। उरोगी फोर्थ फॉर्म है हानदेंगू का, जिसका शेप एक पक्षी जैसा है और उसकी पर्सनैलिटी है जॉय। उसका शेप जो है वो पक्षी जैसा है, दैट मीन्स वो हवा में उड़ सकता है, किसी को भी कैरी कर सकता है हवा में, या फिर अपने टारगेट्स को हवा में उड़ा सकता है। उरोगी अपने माउथ से सोनिक वेव फॉर्म रिलीज कर सकता है, जैसा कि हमने एपिसोड 3 में देखा था कि जब उसने सोनिक वेव फॉर्म का यूज़ किया था तो तांजिरो के कान से और उसके आँख से ब्लड निकलने लगा था और वो कुछ समय के लिए अपना होश खो बैठा था। जोहाकुटेन इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ हानदेंगू, और ये सबसे पावरफुल क्लोन है हानदेंगू का। ये क्लोन तब पैदा होता है जब सेकिडो फोर्सिबली बाकी के तीनों क्लोन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी पर्सनैलिटी है हेट्रेड। जोहाकुटेन अपने ब्लड डीमन आर्ट टेक्निक को यूज़ करके अपने आसपास के फ्लोरा को कंट्रोल कर सकता है, जिससे कि वो 5 हेडेड ड्रैगन क्रिएट कर सकता है जो कि वुडन फॉर्म में रहता है, और वो डिफरेंट अटैक परफॉर्म कर सकता है। जोहाकुटेन के खुद के अटैक्स भी हैं, और बाकी वो जिन 4 फॉर्म्स को कंबाइन करके वो अपनी नई बॉडी पाया है वो उन पिछले 4 फॉर्म्स के भी अटैक को यूज़ कर सकता है, जैसे कि बिजली पैदा करना जो कि सेकिडो यूज़ करता था, स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड जस्ट लाइक कराकू, साउंड वेव का यूज़ करना जस्ट लाइक उरोगी, एंड स्पीयर लाइक अटैक्स जस्ट लाइक आइजेत्सू। हानदेंगू का जो लास्ट और 6th फॉर्म है उसका नाम है उरामी, जिसकी पर्सनैलिटी है रिजेंटमेंट। उरामी के पास पावर है कि वो अपने बॉडी को बड़ा या छोटा कर सकता है, और उसका केवल एक सोल पर्पस है कि हानदेंगू की जो कोर और मेन बॉडी है उसको अपने अंदर छुपा के रखना, और ये उसका लास्ट रिजॉर्ट रहता है किसी भी डीमन स्लेयर के एरिया से भागना या वहाँ से बच निकलना।